हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं 20 फरवरी 2018 के करंट अफेयर्स। पहले वन लाइनर हैं, फिर पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। ये अगर आप डेली करंट अफेयर्स डेली के रोज़ के रोज़ देख रहे हैं, ये 10 मिनट के अंदर आप वीडियो कवर हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो इसलिए देखा ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं कर रहे, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करिए। आइए अगला देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर हाथापाई और बदसलूकी का आरोप लगाया? तो दिल्ली के मुख्य सचिव का क्या नाम है? उनका नाम है अंशु प्रकाश। आइए अगला देखते हैं। रोटोमैक ग्रुप, जो रोटोमैक पेन आती थी पहले, रोटोमैक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का नाम, जिन पर हाल ही में विभिन्न बैंकों के साथ लोन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। तो रोटोमैक ऑफ कंपनीज के मालिक का क्या नाम है? विक्रम कोठारी, याद रखिए विक्रम कोठारी। आइए अगला देखते हैं। स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जिसकी मारक क्षमता, कौन सी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है? तो ये है अग्नि 2। ये कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है? इसका परीक्षण जो है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, अब्दुल कलाम तट पर। अब्दुल कलाम तट पर जो है, अब्दुल कलाम तट उड़ीसा में किया गया है अग्नि 2 का परीक्षण, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000, जिसकी मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में उजागर 11,300 करोड़ रुपये के PNB लोन घोटाले में शामिल किस आभूषण कंपनी के CFO, वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस कंपनी ने दिया है, किस कंपनी के CFO, वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने इस्तीफा? ये गीतांजलि जेम्स ने। आइए अगला देखते हैं। क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मेट में ये हैं भुवनेश्वर कुमार। 2 क्वेश्चन क्रिकेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये अभी अफ्रीका में जो है T20 सीरीज चल रही थी, उसमें जो है भुवनेश्वर कुमार ने जो है 5 विकेट लिए हैं। 3 T20 मैचों की सीरीज, 1 मैच हो चुका है। और वनडे मैच में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? विराट कोहली को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली का नाम जो है मैन ऑफ द सीरीज वनडे सीरीज के लिए याद रखिए। और 5 विकेट वनडे, T20 और टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का क्या नाम है? भुवनेश्वर कुमार। ये याद रखिए, 2 लोगों का नाम आने वाले एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला देखते हैं। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चुनौती देने के लिए भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर एक बुनियादी ढांचा योजना के बनाने की तैयारी की है? तो 3 देशों के साथ। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चुनौती देने के लिए भारत ने 3 देशों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचा योजना तैयार की है। अब वो 3 देश कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा है जापान। तो चीन की वन बिल्ट वन रोड की परियोजना को चुनौती देने के लिए भारत ने 3 देशों के साथ मिलकर एक बुनियादी ढांचा योजना की तैयारी की है। ये कौन 3 देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। आइए अगला देखते हैं। जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विलुप्त की कगार पर कितनी भाषाएँ हैं? तो 42 भाषाएं भारत में जो है विलुप्त के कगार पर ही, ये जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट है। आइए अगला देखते हैं। वह राज्य जिसके शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले गायत्री मंत्र पढ़ा जाना अनिवार्य कर दिया, ये कहाँ की सरकार है? हरियाणा की सरकार। हरियाणा सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है कि राष्ट्रगान से पहले गायत्री मंत्र पढ़ा जाना अनिवार्य है। आइए अगला देखते हैं। वह सरकारी विभाग कौन सा है जिसमें लगभग 90,000 पदों पर निकाली गई भर्तियों की आयु सीमा बढ़ाई गई? तो ये है
भारतीय रेलवे, ये अब तक की पूरे विश्व में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है 90,000 रेलवे में। आइए अगला देखते हैं। वह देश जहां सरप्लस बजट होने पर वहां के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है, तो कौन सा देश है ये? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। आइए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें 10 कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वन बाई वन देखिए। दिल्ली के मुख्य सचिव का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों पर हाथापाई और बदसलूकी का आरोप लगाया है? तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पहले देखते हैं फिर इसके बाद आंसर देखेंगे। पहला है विशेष प्रकाश, दूसरा है अंशु प्रकाश, तीसरा है आशुतोष जैन और चौथा है पार्थ सारथी मिश्रा। तो दिल्ली के मुख्य सचिव का क्या नाम है जिन्होंने जो है अभी FIR दर्ज करवाया है आम आदमी पार्टी के दो विधायकों पर हाथापाई और बदसलूकी आरोप में? तो ये है अंशु प्रकाश, याद रखिए दिल्ली के मुख्य सचिव क्या नाम है? अंशु प्रकाश। आइए आगे देखते हैं। देखिए रोटोमय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में विभिन्न बैंकों के साथ लोन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है? तो रोटोमय कंपनी का क्या नाम, पहले ऑप्शन देखते हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, विक्रम कोठारी है पहला, दूसरा है संजय बंसल, तीसरा है अमित तिवारी। तो रोटोमय ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का क्या नाम है? ये नाम है विक्रम कोठारी। क्या नाम है? विक्रम कोठारी, याद रखिए। आइए अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी तक मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, याद रखिए 2000 किलोमीटर। देखते हैं पहला कौन है, पहला है इसमें पृथ्वी 2 है, दूसरा है अग्नि 2 है, और देखिए पहला है पृथ्वी 2, दूसरा है आकाश 2 और तीसरा है अग्नि 2। तो इसमें से कौन सा स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी के तक मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 है, अभी जो है हाल ही में परीक्षण किया गया है, तो ये कौन सा है? आइए देखते हैं इसका। तो ये है अग्नि 2। कौन है? अग्नि 2। अब इसका परीक्षण कहाँ गया है? उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तट पर। कहाँ किया गया है? उड़ीसा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तट पर किया गया, याद रखिए दोनों चीज़। तो ये किसका परीक्षण अभी हाल में किया गया है? ये किया गया है अग्नि 2 का। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 2000 किलोमीटर, याद रखिएगा 2000 किलोमीटर। ये मध्यम दूरी के तक मार करने वाली है। आइए अगले देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। हाल ही में उजागर 11,300 करोड़ रुपए के PNB लोन घोटाले में शामिल किस आभूषण कंपनी के CFO, वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है? ये ऑप्शन देखते हैं पहले। पहला है गीतांजलि जेम्स है, दूसरा है PP ज्वेलर्स है और तीसरा है तनिष्क। तो इसमें किस कंपनी के CFO, वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स इस्तीफा दिया है? तो ये है गीतांजलि होम्स, ये ऑप्शन है गीतांजलि होम्स। आइए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो कौन है पहला देखते हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं। RR अश्विन, दूसरे हैं मोहित शर्मा, तीसरे हैं भुवनेश्वर कुमार, चौथे हैं रविंद्र जडेजा। तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? ये सी ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भुवनेश्वर कुमार ने भारत के पहले खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में 5 विकेट ले चुके हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिए इससे संबंधित, अभी हाल ही में जो वनडे सीरीज हुई है उसमें मैन ऑफ द सीरीज जो है किसको दिया गया? विराट कोहली का। दो नाम ही याद रखिए, भारत ने 5-1 से सीरीज जीती है वनडे सीरीज में, विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज मिला है। आइए अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चुनौती देने के लिए भारत ने कितने देशों के साथ एक बुनियादी ढांचा योजना की तैयारी की है? तो पहला इसमें ऑप्शन देखते हैं, तीन ऑप्शन है, 3 देशों के साथ, 4 देशों के साथ, 5 देशों के साथ। तो चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को चुनौती देने के लिए भारत ने कितने देशों के साथ जो है बुनियादी ढांचा योजना की तैयारी की है? तो 3 देशों के साथ। अब वो 3 देश कौन कौन से हैं इसको भी याद कर लीजिए। देखिए पहला है अमेरिका, अभी मैं पीछे बताया था, मैं पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान,
तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट में कितनी भारतीय भाषाओं को विलुप्त होने की आशंका जाहिर की गई है? तो चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है 40 भाषा, दूसरा है 42 भाषा, तीसरा है 50 भाषा, चौथा है 55 भाषा। तो हाल ही में जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट में कितनी भारतीय भाषाओं को विलुप्त होने की आशंका जाहिर की गई है? तो 42 भाषाओं की। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 42 जो रिपोर्ट आती है, कोई भी रिपोर्ट अगर आ रही है, चाहे वर्ल्ड लेवल चाहे इंडिया लेवल पर, उसको जरूर उसके आंकड़ा जरूर याद रखिए करिए। तो भारत कितनी भारतीय भाषाओं को लुप्त होने का रिपोर्ट जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट ने जारी किया है? तो 42 भाषाओं का। आइए अगला देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले गायत्री मंत्र पढ़ा जाना अनिवार्य कर दिया है? तो चार ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने, या मध्य प्रदेश, या हरियाणा, या राजस्थान। तो किस राज्य के शिक्षा निदेशालय ने जो है सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले गायत्री मंत्र पढ़ा जाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य का जो है शिक्षा निदेशालय ने गायत्री मंत्र पहले पढ़े जाना अनिवार्य कर दिया है, राष्ट्रगान से पहले पढ़ा जाना अनिवार्य कर दिया गायत्री मंत्र। आइए नवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकारी विभाग द्वारा लगभग 90,000 पदों पर निकाली गई भर्ती की आयु सीमा बढ़ाई गई? तो पहला देखते हैं, गृह मंत्रालय निकाला है, या भारतीय सेना निकाला है, या दिल्ली पुलिस ने निकाला है, या रेलवे ने? तो ये 90,000 पद जो विश्व में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, ये भारतीय रेलवे ने निकाला है। कौन निकाला है? भारतीय रेलवे ने इसमें आयु सीमा बढ़ाई है। आइए दसवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर सरप्लस बजट होने पर वहां के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये किस देश में हुआ? पहला है कुवैत, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है सऊदी अरब। तो ये कौन सा देश है? ये है बी ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर में जो है सरप्लस बजट होने पर सभी नागरिकों को सरकार जो है 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग कमेंट कुछ है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हम वीडियो को डिले भी कर देते हैं, उसमें बीच में वीडियो भी रोक देता हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। वीडियो में कोई कमी हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कम से कम बताया किया करिए। अगर पसंद आ रहा है तो इसको जो है कम से कम शेयर कर दीजिए करिए, और कमेंट जरूर किया करिए, सब्सक्राइब भले ना करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।